मौजूदा चुनाव के मद्देनज़र महाराष्ट्र एकीकरण समिति की जानिब से दक्षिण से शुभम शेड़के ने अपनी अर्जी दाखिल की है महाराष्ट्र एकीकरण समिति के दफ्तर में, लिहाजा हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा दक्षिण में। आपकी मकबूलियत तो है, आपको लोग भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी मुखालिफत भी करते हुए, इनकी विरोध करते हुए देखा जा रहा है, इस पर आप क्या? देखिए, अगर पॉलिटिक्स में उतरना है तो जैसे समर्थक रहते हैं वैसे विरोधक भी रहते हैं, मगर ये विरोध अगर ऑपोजिशन से आता तो ज़्यादा दुख नहीं होता। किसी को भी अर्ज मत भरो ऐसा बोलना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। हर कोई अपनी ताकत आजमाएगा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति में आज तक जिन्होंने कुछ हमको मिलेगा ये आज छोड़कर, खाली ये हमारा जो संयुक्त महाराष्ट्र का जो लड़ा है इसके लिए जो जिन लोगों ने काम किया है, अगर उनके मन में रहा तो वो ज़रूर हमको चांस देंगे और देखेंगे। फिर अगर चांस दिया तो उस चांस का क्या करना है वो हमको पता है। जी, बारह इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि जो है महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कुछ लोग सेटिंग की राजनीति करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बोलता है वो खुला के सामने बोलेगा तो हमको भी पता है। मैंने जब लोकसभा लड़ाई तब मेरे को भी बोला कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका सेटिंग हुआ और आपने पैसा खाया। आज भी कोई सामने आके बोले और वो सिद्ध करके दिखाए, मैं जिंदगी भर राजकरण करना छोड़ दूंगा। नहीं, ये कुल मिलाकर अब दक्षिण में ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी वहाँ पर दखल देती नज़र आ रही है। भाजपा कांग्रेस समिति इस तरह से एक त्रिशंकु की वहाँ पर जो स्थिति नज़र आ रही है, वहाँ पर क्या कांग्रेस के ताल्लुकात में कुछ समिति के लोग आए हैं या भाजपा के ताल्लुकात में समिति के लोग आए हैं? बारह इस तरह के अफवाहें तो हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि समिति के लोग किसी के ताल्लुकात में आए हैं। अगर आते तो ये जो तनाव आप देख रहे हैं ये नहीं होता। हर किसी को ये चुनाव लड़ना है और इसके लिए उनके बात मैं काटूंगा, कहीं तो भी जो है सेटिंग की राजनीति होते आई है, इसलिए जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कभी 8 भी MLA आया करते थे, जो आप तो कहीं अपने वजूद के लिए कोशिश कर रही है, कहीं तो हुआ ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, 8 MLA आते थे तब मतदार संघ अलग थे, तो इसके लिए अलग अलग कारण है। खाली सेटिंग की राजनीति हो के ये हुआ ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो आरोप करने वाले आरोप करते हैं, अगर कोई सिद्ध करे तो इसके ऊपर सोचेंगे, क्योंकि जब तक हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो लड़के लोग काम कर रहे हैं, खुद की जेब काट के संगठन के लिए काम करने वाले लोग मैंने खुद देखे हुए हैं। नहीं, समिति अभी आपको टिकट देगी? देखिए, मैं लगभग मेरे विद्यार्थी दशा से मैं समिति और संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। अगर इन लोगों ने मन में ठान लिया कि हमको इस जो ये हमारा लड़ा है उसमें से क्यों ये लड़े को न्याय देने वाला अगर आदमी चाहिए तो मेरा ज़रूर वो मेरे नाम का। अगर नहीं दिया तो आपका सियासी सफ़र किस तरह से होगा? नहीं, देखिए, चुनाव ये हमारे इस फाइट का हिस्सा है। अगर सीट नहीं दिया तो मैं राजनीति करने के लिए नहीं तो मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए कुछ अलग करूँगा ऐसा मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि मेरा जीवन ही इस हमारे सीमा संग्राम के लिए है और इसके साथ गद्दारी करना मेरे खून में नहीं है। नहीं, आप नहीं है, लेकिन कुछ और भी होंगे जो भाजपा के साथ ताल्लुकात में होंगे, उनके कांटेक्ट में होंगे, या किसी के इशार पर बड़े राष्ट्रीय पार्टियां जितने भी हैं उनके इशार पर कुछ लोग काम कर रहे होंगे, तो उनको किस तरह से रोका जाए? देखिए, मैं और मेरे सहकारी उनके ऊपर कोई भी संदेह करेगा तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। बाकी के अगर लोग ऐसा करते हुए दिख जाएं तो उनका क्या करने का हम लोग देख लेंगे। क्योंकि पिछली मरतबा अच्छे खासे वोट लिए थे आप पिछले इलेक्शन में भी, इस बार क्या वो चीज़ आसान है आपके लिए? देखिए, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो अगर मुझे ये लोग लड़ने के लिए चांस देंगे तो शायद मैं ये जीत का मुकाम हासिल कर सकता हूँ, ऐसा हमारे लोगों का मानना है। अगर मैं मेरे खुद के मुंह से बोलूँगा वो तो जायज़ नहीं रहेगा। आप एज अ रिपोर्टर आप पूरे ज़िले में घूमते रहते हैं, इसका अंदाज़ा आपको भी रहेगा। अगर उन्होंने मेरे को चांस दिया तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा।
आज महाराष्ट्र एकीकरण समिती शहर समितीच्या कार्यालयात बेळगाव दक्षिण मतदार क्षेत्रासाठी अधिकृत उमेदवार म्हणून मला त्यांनी निवडावं आणि मला ही निवडणूक लढवण्याची संधी द्यावी यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडे अर्ज दिलेला आहे. गेल्या काही वर्षात म्हणजे अगदी मला जसं समस्येत विद्यार्थी दशेपासून मी या चळवळीत सक्रिय काम करत आहे. गेल्या 5 वर्षापासून महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचा अध्यक्ष म्हणून मी काम करत होतो. या सगळ्याचा विचार करून चळवळीसाठी माझं योगदान आणि मराठी माणसांसाठी आणि या चळवळीसाठी मला काहीतरी करायचं आहे किंवा ह्या प्रश्नासाठी काहीतरी ठोस करायचं आहे ही माझी भावना लक्षात घेऊन मला लढाईसाठी संधी देतील अशी आशा करतो. मागच्या वेळेलासुद्धा लोकसभा पोटनिवडणुकीची जबाबदारी माझ्यावर दिली ती मी पार पाडण्याचा समर्थपणे प्रयत्न केला आणि लोकांनीसुद्धा सर्व स्तरातून मला पाठिंबा दिला. तसाच पाठिंबा आणि विश्वास महाराष्ट्र एकीकरण समिती यावेळेला देईल अशी आशा करतो आणि आता त्या लवकरच ही प्रक्रिया संपून अधिकृत उमेदवार जाहीर करतील अशी आशा करतो.